मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहना चाहिए। आप इतिहास लिखोगे तो इतिहास में कुछ गवाही भी होना चाहिए। जब आपके फोटो दो चार जगह चिपके तो आप लगता है आप इतिहासकार हो, लेकिन प्रत्यक्ष में दो चार दिखने लगे तो इससे बड़ा इतिहास क्या हो सकता है साहब। ये बड़ा इतिहास है हमारे देश में। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, सुरवीर उनकी बातें बाद में करूंगा, लेकिन हम जिस अद्भुत स्वर को सुनने के लिए यहाँ लालायित है, एक नारी सबको संभालती है, उसको अधिकार और उसको प्यार और उसको दुलार सब चाहिए साहब। लेकिन अगर उनके मनोभाव को समझने का मादा हम में है तो हम तालियां बजाकर अभिवादन करें, स्वागत करें, आमंत्रण दें। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी वो आए तो आज की महफिल सार्थक होगी। जोरदार तालियों के बीच में आगरा से हमारे बीच में। पुनः पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। अशथे के अग्निहोत्री जी तक इस कार्यक्रम को पहुंचना है और मेरे भैया को भी अभी काव्य पाठ करना है। प्रारंभ हुआ था वहां से लेकर, मेरे भाई ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और उस प्रारंभ से लेकर यहाँ तक पूरी यात्रा में आपने सबको खूब आशीर्वाद दिया है। मैं भी अपने क्रम में हूँ और बारंबार प्रणाम करती हूँ उपजा परिवार को कि उन्होंने, चूंकि वे पत्रकार और कवि, हम दोनों शब्द की साधना करते हैं, मैं इसलिए शब्दों के इस अनुष्ठान के लिए आपको आभार व्यक्त करती हूँ और उन प्रशासनिक अधिकारियों को आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस अनुष्ठान के लिए ये अवसर प्रदान किया। मैं प्रारंभ करती हूँ और चकिया परिवार को प्रणाम करते हुए कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ कविता जैसा कहना चाहती हूँ और वो कविता जैसा आप तक पहुँचे तो आपकी शुभकामनाएं मिले। क्या कहना चाहती हूँ, कहीं कुछ पढ़ लिया हो तो आप तक पहुँचे मेरे शब्द और आपकी शुभकामनाएं मुझ तक पहुँचे। सुनिएगा। चंद्रप्रभा अभयारण्य के एक एक वट को प्रणाम है। चंद्रप्रभा अभयारण्य के एक एक वट को प्रणाम है। कर्मनाशा और गंगा के पावन तट को प्रणाम। चंद्रप्रभा अभयारण्य के एक एक वट को प्रणाम है। कर्मनाशा और गंगा के तट को प्रणाम है। काली माता और जगेश्वर के धाम को प्रणाम है। काली माता और जगेश्वर के धाम को प्रणाम है। लतीफ शाह जी के पावन नाम को प्रणाम। और जब आपके लिए कहा गया हो तो आपकी तालियां भी चकिया के लिए उठनी चाहिए। एक बार हाथ ऊपर करके जिंदाबाद कि इस पावन भूमि के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अद्भुत अद्भुत प्रणाम प्रणाम। आप सबको प्रणाम करते हुए मेरे ये भाई जिन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ आप तक अपनी रचनाएं पहुंचाई, मैं चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ, उसके बाद अपने मूल काव्य पाठ तक पहुंचूंगी। और भाव ये है कि हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारी आन के संग संग हमारा मन चलता है। अचंभित विश्व है सारा, देख भारत की प्रतिभा को। मैं बहुत आभारी, ये पूरे चकिया धाम का आशीर्वाद है मेरे लिए। बहुत मैं पुनः उन पंक्तियों को आप तक पहुंचाती हूँ और बहुत अधिक देर तक काव्य पाठ नहीं करूंगी, लेकिन जितनी देर तक हूँ मुझे मालूम है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारी आन के संग संग हमारा मान चलता है। अचंभित विश्व है सारा, देख भारत की प्रतिभा को। अचंभित विश्व है सारा, देख भारत की प्रतिभा को। उस प्रतिभा को प्रणाम जो प्रतिभा चंद्रयान लेकर जाती है और जो प्रतिभा सूर्य की ताप को नापने निकली है। अचंभित विश्व है सारा, देख भारत की प्रतिभा को। सकल इस विश्व के आगे हिंदुस्तान चलता है। मैं ऐसे हिंदुस्तान को प्रणाम करती हूँ और ऐसी पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ। मैं जहाँ से आती हूँ उस धाम को ब्रजधाम कहा जाता है, तो संसार के सबसे अमर प्रेम को प्रणाम करना चाहती हूँ और उन पंक्तियों तक पहुँचना चाहती हूँ। इमरान भैया आपकी उपस्थिति में कहना चाहती हूँ कि जिस चीज को सूरदास जी और रसखान जी ने लिख दिया, हम उसके लिए क्या एक अंश भी लिख पाएंगे, ऐसा कहीं आभास भी नहीं होता। आप बड़े मन से सुन रहे थे तो रसखान जी ने
छोकर यहाँ छछियाबर छछ पहना ऐसे ऐसे योगेश्वर कृष्ण को प्रणाम करते हुए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इतना ओज भरा कार्यक्रम एकदम तालियों की गूंज से आपको एहसास कराइए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपको। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत श्रेष्ठ संचालन किया है आपने, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं ऐसे ब्रजधाम को प्रणाम करती हूँ, और मैंने कहीं लिखा, मैंने लिखा कि हृदय द्वार पर प्यार भरे सब रंग सजाए जाते हैं, जगमग जगमग भाव सजे नवदीप जलाए जाते हैं, और ब्रज तो ब्रज है जहाँ प्रेम की अमर निशानी और कथाएं मधुबन की, जहाँ प्रेम की अमर निशानी और कथाएं मधुबन की, ब्रज तो ब्रज है जहाँ कृष्ण के गीत सुनाए जाते हैं। मैं ऐसे ब्रज क्षेत्र को प्रणाम करती हूँ और तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ, आप तक पहुँचे तो आपकी शुभकामनाएं मिले, मेरी भाव मेरी पंक्तियां समर्पित हैं, कहीं थोड़ा सा ब्रज का भाव आप तक पहुँचे तो आपकी शुभकामनाएं मुझे मिले, कहीं कहीं बीच बीच में ब्रज के प्रयोग की कोशिश की है, समर्पित है। प्रेम से प्रेम की हर बात यूं निभानी है, प्रेम से प्रेम की हर बात यूं निभानी है, कृष्ण की प्रीत प्रीत सप्त स्वय में गानी है। जिसके लिए मुझे मंच से आदेश मिला है, लेकिन दो पंक्तियां सुन लीजिए, कहीं किसी इंजीनियरिंग कैंपस में गणित विषय पढ़ाने का अवसर मिलता है, आदरणीय बार बार मेरी पीएचडी का जिक्र कर रहे थे, गणित विषय में पीएचडी की है, कहीं शोध किया है, वहां से जो पंक्तियां निस्तृत होती हैं आप तक पहुंचे तो आपकी शुभकामनाएं मिले, मैं समर्पित करती हूँ। भैया पहली बार सुनेंगे, एक गीत की केवल दो पंक्तियां सुन लीजिएगा, मैं कोई जोड़ घटाना गुणा भाग गुणनखंड आपको नहीं सिखाऊंगी, लेकिन दो पंक्तियां सुन लीजिए। स्वागत 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 स्वागत। प्रेम के ये पहाड़े सरल हो गए, प्रेम के ये पहाड़े सरल हो गए, नेह को नेह से जोड़ना गया, प्रेम के ये पहाड़े सरल हो गए, नेह को नेह से जोड़ना शुभकामनाएं मुझे मिले, मैं समर्पित करती हूँ सीधे सीधे वही गीत जिसके लिए मुझे मंच से आदेश मिला है, और वो चार पंक्तियों के लिए पुनः आदेश मिल रहा है, जो मेरी पहचान की पंक्तियां हैं, जिन्होंने आपके आशीर्वाद तक पहुंचने का अवसर दिया, लेकिन गंगा का तट निकट है तो आपका आशीर्वाद भी उतना ही भरपूर मिलना चाहिए, मैं समर्पित करती हूँ। स्वागत। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया
मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं गीतों की गंगा अद्भुत। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। आशीर्वाद देना है तो एक बार भरपूर दे दीजिए और मिलकर दे दीजिए, क्योंकि मैं उस गीत के बीच में मेरी वंदना की पंक्तियां हैं, मैं उस गीत के बीच में कोई वार्तालाप कोई भूमिका आप तक नहीं पहुंचाऊंगी। हमारे ब्रजधाम में आप सब वृंदावन गए होंगे और वृंदावन के उस स्थान को प्रणाम करती हूँ जहाँ पर वो संसार का सबसे अमर प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ। मैं उस निधिवन को प्रणाम करती हूँ। हो सकता है आपने सुना हो और नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ, अब के आपका वृंदावन जाना हो तो अवश्य जाइएगा। वही वो स्थान है जहाँ संसार का वो सबसे अमर प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ। मैं राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्रणाम करती हूँ और वही निकट गोवर्धन पर्वत है, मैं उसे भी प्रणाम करती हूँ। और आइए सीधे सीधे वो गीत आप तक पहुँचाती हूँ, क्योंकि निधिवन में केवल और केवल आपको तुलसी के पौधे देखने को मिलेंगे, तुलसी के दल देखने को मिलेंगे। तब समर्पित करती हूँ सीधे सीधे। प्रेम तुलसी के दल सी सजी रात का, प्रेम तुलसी के दल सी सजी रात का, हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी रात का, हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, दस की दस उंगलियों से बजी बांसुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, दस की दस उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। हो सकता है आप ताली न बजाएं, लेकिन आपने अगर मन से और डूब कर सुन लिया तो मेरी पंक्तियां सार्थक हो जाएंगी, मेरा यहाँ तक आना सार्थक हो जाएगा। मैं समर्पित करती हूँ सीधे सीधे भाव। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ। प्रीत पावन हुए प्राण दीपक जले, तृप्ति के भावले मन मयूरा हुआ। नैन 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 से समर्पण किया, समर्पण किया आंसुओं ने मगन हो भरे आजुरी। नैन नैन से ही समर्पण किया आंसुओं ने मगन हो भरे आजुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, दस की दस उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका। इस गीत की अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और मातृशक्ति यहाँ पर अभी उपस्थित थी, आ गए हैं मेरी आवाज सुनकर। आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है मेरी बहन यहाँ पर, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं इस गीत की अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। कहीं ये बात सुनी थी कि भगवान श्री कृष्ण की मुरलिया राधा रानी के पास है और आतुरता में दौड़ पड़ते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन जल्दबाजी में खोलती हुई खीर पी लेते हैं। उस अमर प्रेम को देखिए कि उनके हृदय में नहीं, राधा रानी के हृदय में जब छाले देखने को मिलते हैं तब गीत की अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। और आदेश मंच का था इसलिए इस गीत को समर्पित किया है, तो मंच का भरपूर आदेश आशीर्वाद मिले मैं समर्पित करती हूँ। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद तो, मन ही मन कृष्ण ने जो किया
हुए इस तरह नभ से मिलती है जैसे माधुरी एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया धस की दस उंगलियों से बज बांसुरी प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका दीदी एक मिनट दीदी वो राय साहब ये कहना कि चूंकि आप ब्रज भाषा से जुड़ी हुई हैं तो एक ब्रज भाषा में जी चूंकि जो आपकी पहचान है चकिया के लोग सुन ले उसको भी जी चकिया में कोई पहली बार ऐसा आया है जो आपका समर्थन कर रहे हैं और बिल्कुल आप जैसी हस्ती का यहाँ पर एक गीत पढ़ के जाना बिल्कुल भी जायज नहीं है और जितने लोग प्रतीक्षारत है उनका मन है मानस है और मैं कहता हूँ कि अपनी अपेक्षाओं को तालियों के शक्ल में यहाँ पर उद्घृत करें आपका आशीर्वाद मुझे लगता है निकट माता काली का धाम है वहाँ का आशीर्वाद लेकर जाऊंगी जगेश्वर धाम का आशीर्वाद लेकर जाऊंगी मुझे कुछ नए छंद मैंने लिखे हैं उनमें से एक छंद के लिए आज ही मुझे भैया ने आदेश दिया था कि आप उस छंद को जरूर सुनाइएगा तो उस छंद में से एक छंद मैं आपको सुनाती हूँ और आप तक ब्रज भाषा पहुंचे तो उस छंद के लिए आप शुभकामनाएं दीजिएगा मैं अन्य जगहों पर भी पढ़ूंगी मैं समर्पित करती हूँ श्रद्धेय आपके आदेश का पालन करती हूँ लाडली के संग बरसानो ही महक रहो लाडली के संग बरसानो ही महक रहो राधे राधे बोल के महक गई चूड़ियां लाडली के संग बरसानो ही महक रहो राधे राधे बोल के महक गई चूड़ियां ग्वाल बाल संग देख श्याम ऋषि आए गई मतलब गुस्सा हो गई ग्वाल बाल संग देख श्याम ऋषि आए गई ग्वाल बाल संग देख श्याम ऋषि आए गई देख गेह दहक दहक गई चूड़ियां होरी होरी खनन खनन खन झनन झनन झन खनन खनन खन झनन झनन झन कान्हा कान्हा बोल के चहक गई चूड़ियां खनन खनन खन झनन झनन झन कान्हा कान्हा बोल के चहक गई चूड़ियां और इसी श्रृंखला का एक और सुनाना चाहती थी लेकिन आइए मैं अपने विराम देती हूँ लेकिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित पंक्तियों से मैं विराम देती हूँ और अंत में उस पंक्तियों से पहले मेरा मन है यहाँ बैठे बैठे आप देख रहे थे मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैं उपजा परिवार को समर्पित करना चाहती हूँ कुछ पंक्तियाँ आपके इस आयोजन पूरी टीम यहाँ पर है तो मेरी पंक्तियाँ आप तक पहुँचे और विशेष रूप से आपको समर्पित है हिंदुस्तान की पावन भूमि खुशियों के रंग भरते हो यहाँ जितने भी नाम है ना ये सारे नाम लेने की कोशिश की है हिंदुस्तान की पावन भूमि पर खुशियों के रंग भरते हो हृदय सहारा हृदय संदेशों के संग आज बताते हो
बहुत से गीत हैं, बहुत सी रचनाएं हैं जो आप तक पहुंचाना चाहती हूं, लेकिन मेरा मन है मैं अंतिम भगवान जागेश्वर धाम को प्रणाम करते हुए मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। उसके बाद अवसर मिलेगा तो अवश्य और पंक्तियां सुनाऊंगी। सुनिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद ऐसे दीजिएगा कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर जाऊं। समर्पित है। नमः पार्वती पतये अघोरी शंभु त्रिपुरारी घे परमेश्वर घे महाकाल घे काल काल घे नागेश्वर घे सर्वेश्वर घे सृष्टि भाल। आपको तालियां बजाकर साथ देना पड़ेगा। अघोरी शंभु त्रिपुरारी घे परमेश्वर घे महाकाल घे काल काल घे नागेश्वर हे सर्वेश्वर घे सृष्टि भाल। हर 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 बम बम बोल उठा, हर 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 बम बम बोल उठा, जग पग में कर जोड़े कराल घे जटा जूट घटी होगी। डम 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 सुन कर झूमे कपाल विकराल विशाल विराल खड़े विकराल विशाल विराल खड़े गड़ 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 गूंजे व्योम ताल दिगपाल भाल पे भस्म धरे नैनन में शोणित लाल लाल भस्माधारी के शीश चंद्र भस्माधारी के शीश चंद्र गंगा हवितन पे धरे व्याल। पुन 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 पूजे नीलकंठ घे बर्फानी गल मुंड माल कर थाल धतूरे बेल पत्र ले चले रुद्र गंधर्व यक्ष नर नारी किन्नर देव ऋषि नवधरा कल्प युग काल पक्ष। जय 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 देशांतर तक, जय 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 देशांतर तक, हर 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 गाए अक्ष अक्ष। स्वीकार करो शतनमन शिवम कर जोड़े नवग्रह ज्योति कक्ष। स्वीकार करो शतनमन शिवम कर जोड़े नवग्रह।